पुलिस आई, उस लड़के को यहाँ पे पकड़ लिया, लड़की भी चली गई थाने में। जिस कमरे में आपको रखा गया था, उस कमरे में और कौन कौन लोग रहते थे? दो लड़के रह रहे थे, वही रह रहे थे, बस चार लोग रह रहे थे। तो दो लड़के कौन थे? उनके लड़के थे कविता सिंह के। कौन है कविता सिंह? इंस्पेक्टर है, वो अपने घर में हमको ज्यादा काम करा रहे हैं, झाड़ू पोछा ये सब, दो तीन टाइम बर्तन मांजो, तीन टाइम झाड़ू पोछा लगाओ। वो कविता सिंह अपने गाँव भी ले गए कानपुर। फिर कचहरी ले गए बयान देने के लिए, वो कविता सिंह दिए थे पन्ने में दूसर चीज, हम दिए बयान दूसर चीज। अब वो लोग बता रहे थे तुम्हारी उम्र उसमें लिखी 19 साल, अब तुम बता रहे हो 16 साल की। कह रहे थे बेटी सुलह बोलो, तो कह रहे थे नहीं सुलहोगे तो ये बात ठीक नहीं होगी। पहले हुआ था खून की जाँच, फिर हुआ था पेशाब की जाँच, फिर पेटे में मशीन रखी गई थी अस्करा करने के लिए, फिर तो उंगल की जांच हुई थी बलात्कार हुआ कि नहीं हुआ। बच्चा है तो बच्चे की तरह एग्जामिनेशन होगा, बड़ा है तो बड़े की तरह एग्जामिनेशन होगा। एग्जामिनेशन रेप केस का ऑलमोस्ट एक ही तरीके से होगा। वो अपने मन से कहें खून निकाल लें, हर जांच करने लगे थे अपने अपने मन से, लेडीज भी अपने मन से जांच करने लगी थी, तभी बुरा लगा था हमें। कोशिश करते हैं उस बच्चे को और किसी तरह से हर्ट ना होने पाए, उसकी प्राइवेसी मेंटेन है, और जितनी जल्दी उसका काम हो सके उतनी जल्दी उसका, और जिस ट्रीटमेंट की जरूरत है वो सबसे फटाफट। जैसा कि टू फिंगर टेस्ट की बात है, नहीं होता। अच्छा, अब नहीं होता। टू फिंगर टेस्ट, दो उंगली टेस्ट करते समय आपको तकलीफ हुआ था? हाँ हुआ था। तो आपने विरोध किया? हाँ मना कर रहे थे तो वो चिल्ला रही थी, मारने दो रहे थे चट्टा। कौन? डॉक्टर। क्या बोले? चुपचाप लेटे रहो ना, मारेंगे चट्टा गिर पड़ोगे।